हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अभी बज रहे हैं 10:10 हुए हैं और आज दिन है शनिवार, तारीख है 17 जुलाई। और वीडियो का स्टार्ट मैं अभी कर रही हूँ। हमारा नाश्ता पानी ख़त्म हो चुका है और चावल दाल भी बना चुकी हूँ मैं, और लेट में थोड़ा वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। और साग सब्ज़ी मंगाई हूँ मैं, लहसुन भी ख़त्म हो चुका था और साग सब्ज़ी भी नहीं था तो अभी जस्ट मंगाई हूँ मैं। और चलिए, चाय पीने वाला बर्तन जो था मैं आधा धोकर रखी हूँ, आधा बाकी है तो बर्तन धो लेती हूँ और साग सब्ज़ी धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। और सब्ज़ी बनाना बाकी है अभी, चावल दाल मेरा पक गया है तो उसके बाद फिर मिलते हैं। और माही थोड़ा पड़ चुकी भी है नाश्ता वास्ता करके, इसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं, बुकिंग था अभी। तो चलिए सब्जी धो के लाते हैं, बर्तन भी धो के लाऊंगी, थोड़ा सा बर्तन है तो बाड़ी तरफ जाऊंगी सब्जी धोने के लिए, साफ़ करके धोना है। बर्तन तो कभी कभार घर में धो ले रही हूँ, बाकी जब ज़्यादा ज़्यादा धोना पड़ता है या कुछ अच्छे से धोना रहता है तो बाड़ी तरफ रहती हूँ, घर में थोड़ा साफ नहीं लगता है। और ऐसे भी गंदा वाला पानी आ रहा है नल में तो कभी कभार घर में भी धोना पड़ रहा है। लाइट वाइट बंद कर दिया है, ज़रूरत नहीं होता है तो हम लोग लाइट बंद कर देते हैं। तो लहसुन को रख देती हूँ, बड़ा बड़ा वाला लहसुन लाई है, देखिए 30 रुपये वाला पाव है, बहुत बड़ा बड़ा है। एक ठो कली लगा दो किसी सब्ज़ी में या छोंक लगा दो तो हो जाता है, और छोटा छोटा वाला थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इसके पापा यहीं पर गाड़ी रखते हैं तो आवाज़ आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट बुकिंग आया है तो निकल रहे हैं और मैं अपना काम में लग गई हूँ। तो चलिए सब्जी धो के बड़ी तरफ चलाती हूँ। सब्जियाँ धोना ख़त्म हो गया, अब बर्तन को धो लेती हूँ और फिर चलेंगे घर। और देखिए बाकी काम भी है, सब्जियाँ वब्जियाँ काटना है, अभी बर्तनों को रख लेती हूँ फिर सब्जियाँ काटूँगी। और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और गर्मी की वजह से ना एक साथ सब काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ खिड़की नहीं है रूम में, और मेरी देवरानी आई थी, बैठकर हम लोग थोड़ा बातचीत किए सब्ज़ी काटते काटते। और फिर बनाऊंगी मैं आलू फ्राई और भाजी बनाऊंगी और भिंडी टमाटर को फ्राई करूंगी। चलिए बनाती हूँ मैं खाना। खाना आज नहीं बनाई हूँ मैं, थोड़ा सा काम था तो, और वीडियो एडिटिंग कर चुकी हूँ मैं अपलोड करने के लिए। और देखिए 12:10 हो चुके हैं, सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ मैं आज, जल्दी जल्दी बनाना है मेरे को और वीडियो लेट हो जाएगा करके मैं पहले अपलोड कर ली। एडिटिंग करना बहुत डालना थोड़ा टाइम नहीं लगता है तो इसके बाद ही बनाऊंगी मैं खाना बोली। और वीडियो को काम ख़त्म हो चुका है, जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी।
और चलिए स्टार्ट हो गया मेरा खाना बनाना। आलू काट के रख दी हूँ मैं पानी में डालकर उसको, और इधर कढ़ाई चढ़ाने में आलू को उबालने के लिए चढ़ा दूँगी, भाजी बना लूँगी और भिंडी और टमाटर को फ्राई करने के लिए भी चढ़ा दूँगी, सभी तरफ चढ़ा दूँगी। देखिए इंडक्शन में आलू चढ़ा दी, नमक और हल्दी डालकर इधर ये पकता रहेगा, फिर मसाला डालकर करूँगी इसको फ्राई। और इधर कढ़ाई चढ़ा ली हूँ जिसमें भाजी बनाना है मेरे को, और करमत्ता भाजी बनाऊँगी, काट कर उसको भी पानी में डाल दी थी। थोड़ा सा ही भाजी बनाऊँगी क्योंकि बच्चे लोग खाते नहीं हैं भाजी, इसके पापा खाएंगे तो थोड़ा सा खाएंगे और मैं ही खाऊँगी, मेरी सासू माँ को देती हूँ थोड़ा सा भाजी वजी बनाने पर, वो भाजी खाती है और बच्चे लोग तो खाते नहीं हैं, तो एकदम थोड़ा सा बनाना है मेरे को। बड़ी टमाटर डालूँगी इसमें, करमत्ता भाजी में प्याज बड़ी टमाटर डलता है, अच्छा लगता है भाजी। और हमारे यहाँ तो सब खरीदी में आता है, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है ऐसे, बाड़ी तरफ तो कुछ लगा नहीं है भाजी उजी, सब खरीदी है तो खरीद के लाए थे। थोड़ा सा बनाई थी मैं पहले और थोड़ा सा बाकी था तो आज बना दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, बच्चे लोग खाते नहीं हैं, ज़्यादा बनाओ तो बेकार होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। और ये भिंडी धोकर रखी थी मैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी इसको, और ऑयल में फ्राई करूँगी इसको टमाटर के साथ। और इधर भाजी को मैं थोड़ा सा पकने के लिए चढ़ाती हूँ, आलू भी पक रहा है मेरा, थोड़ा सा ही पकाना है आलू को। और टमाटर धो ले रही हूँ मैं, फ्राई कर लूँगी टमाटरों को और भिंडी को, ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँ। और खाते वक्त इसको बनाओ हरी वाली मिर्च नमक वमक डाल के तो बहुत अच्छा लगता है। और भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं कर रहे हैं रोज़ रोज़ बच्चे लोग। अभी तीन बार जो गए हैं बाज़ार, तीनों बार भिंडी लाई थी, तो बच्चे लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा भिंडी हो जा रहा है तो सब्ज़ी मत बनाओ, नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा है बोले। तो इस तरह से मैं फ्राई कर दे रही हूँ, और इधर भाजी भी पक गया है देखिए। इसमें लहसुन मिर्च डालकर मैं थोड़ा सा बड़ी डालूँगी और टमाटर डालूँगी और बना लूँगी करमत्ता भाजी। देखिए लहसुन मिर्च चटक जाने के बाद मैं डाल दी हूँ बड़ी को, और थोड़ा सा फ्राई करूँगी और डालूँगी टमाटर छोटा सा, और टमाटर थोड़ा पक जाने के बाद फिर डालेंगे उसमें पका हुआ भाजी। स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ मैं। और 12 बजे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये उमस गर्मी की वजह से ना, पता नहीं पानी वानी नहीं गिर रहा है इसलिए इतना गर्मी लग रहा है, कितना दिन तक पानी नहीं गिरेगा जान जाने वाला है, जितना गर्मी लग रहा है ना, पंखा भी कोई काम नहीं आ रहा है। और ये वाले रूम में कूलर नहीं है, हमारे बेडरूम में कूलर है, और ये वाला रूम में बस ऊपर वाला पंखा है, एग्जास्ट है, तो कोई काम नहीं कर रहा है, ना एग्जास्ट ना ऊपर पंखा, इतना पूरा आग बरस रहा है। बिना खिड़की वाला रूम ना बेकार है, ये दुकान प्रोपोज के लिए हम लोग बनाए थे तो खिड़की उड़की नहीं है इसमें, बस एग्जास्ट के लिए छोटा सा खिड़की है। तो इतना गर्मी की खाना बनाते बनाते पूरा बेहाल हो जा रहे हैं गर्मी की वजह से, तो खाना बनाने में तो थोड़ा टाइम ही लगता है, और ऐसे भी इजी रेसिपी बनाओ फिर भी थोड़ा टाइम ही लगेगा। और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम ही लगता है, वीडियो बनाते बनाते खाना बनाओ तो टाइम लगता ही है, जितना जल्दी करने के लिए सोचो फिर भी थोड़ा टाइम हो ही जाता है वीडियो के लिए। तो देखिए इधर भाजी भी हमारी लगभग तैयार हो गई, और इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में, और मेरे को खाना बनाकर कटोरी में रख देना, अच्छा लगता है। और टाइम होता है तो मैं सारे बर्तन खाना बनाकर भी धो लेती हूँ कड़े वड़े ही, और टाइम नहीं रहता है तो रहने देती हूँ। भाजी बनकर तैयार हो गया, आलू गल रहा है इधर, टमाटर और भिंडी फ्राई हो रही है, आलू में थोड़ा सा मसाला डालकर मैं इसको
फ्राई करूँगी। बहुत ही गर्मी लग रही है इसलिए फटाफट में बनाकर ख़त्म कर रही हूँ खाना को। ऑलरेडी भी हो चुका है तो चलिए मसाला थोड़ा सा निकाल कर ग्राइंड कर लेती हूँ। कहीं बाहर खाना बनाएंगे तभी बनेगा, अंदर में बहुत तकलीफ़ में खाना बना रहे हैं हम लोग। 12 बजे खाना खाते ही निकल जा रहे हैं, सीधा रात के 8 बजे घुस रहे हैं। रूम को घुसते ही नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है। 4 बजे चाय के वेले थोड़ा सा घुसो तो पूरा पसीना पसीना हो जाओगे, इसलिए हम लोग रूम चेंज करना चाहते हैं। क्या होगा देखते हैं आगे। जो उमस वाली गर्मी है ना, जान लेकर रहेगी जैसा लग रहा है। बापरे गर्मी से तो थोड़ा सा राहत मिलता है, पर ये उमस वाली गर्मी जो है ना इतनी तड़पा रही है कि क्या बताऊँ। रूम के अंदर ना ऐसा लग रहा है एक मिनट रहने का मन नहीं कर रहा है। रूम के अंदर पंखा चल रहा है फिर भी कोई असर नहीं है, उतना ज़्यादा गर्मी है अंदर। और बाहर में भी बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही है, पूरा हवा बंद है। पीपल का पत्ता भी नहीं हिल रहा है, जो कि हमेशा हिलता रहता है वो भी नहीं हिल रहा है। एकदम से शांत है माहौल, हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है और एकदम से धूप तेज और बहुत ज़्यादा गर्मी। न बाहर में रहते वाला है न अंदर में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोची फटाफट खाना बना लूँ और जल्दी बनने वाली ही सब कुछ बनाई हूँ मैं। टमाटर और भिंडी को इस तरह से ऑयल में फ्राई करने के लिए बोले हैं। इसमें ना लहसुन मिर्च और नमक कुछ कुछ डालकर इसको बनाएंगे अपने मन से सब और खाएंगे। बस इसको मैं ऑयल में फ्राई कर दे रही हूँ अच्छे से। और इसको उड़िया में बोलते हैं चिटका, भिंडी टमाटर का बनाएंगे खुद से ये लोग और खाएंगे। बहुत अच्छा लगता है गरम गरम खाओ तो, और बासी पेज में ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी भिंडी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है, नहीं खाएंगे रोज़ रोज़ खाना अच्छा नहीं लग रहा है बोले, तो इस तरह से बना दे रही हूँ मैं। टमाटर भून के बना रही थी तो ये लोग बोले टमाटर को बॉयल में फ्राई कर दो अच्छा लगेगा बोले, तो भिंडी टमाटर दोनों को कर दे रही हूँ। और भाजी बन चुका है, भाजी तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। और आलू बनाऊँगी गोल गोल वाला मसाला डालकर, अच्छे से फ्राई करूँगी आलू को, ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और मसाला को फूलने के लिए ग्राइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा फूलने के लिए रख दी हूँ। चलिए ग्राइंड कर लेते हैं, फूल चुका होगा मसाला भी हमारा। और इस तरह का आलू फ्राई करो गोल गोल वाला तो माही खाती है, थोड़ा सा मिर्ची डालो तो, ज़्यादा मिर्ची हो जाने पर नहीं खाती है। तो इस तरह बना तो बच्चे लोग पसंद करते हैं, माही तो बस चावल दाल और मीठा अचार खाती है ज़्यादातर, या तो खट्टा अचार खाती है। और इस तरह का आलू बनाओ तो थोड़ा कम मिर्ची रहने पर बस आलू आलू खा लेती है और खाती नहीं है अच्छे से। दाल चावल अभी खा नहीं रही है, बस बिस्किट वगैरह खा रही है। और अभी फल वल भी ज़्यादा नहीं मंगा रही हूँ मैं, ऐसे ही सूखा वाला मिक्सर बिस्कुट कुछ कुछ खा रही है। चलिए इधर हमारा भिंडी अच्छे से पक रहा है, देखिए भिंडी और टमाटर। और इसका इसमें डाल दी हूँ, अच्छे से कम कर दी हूँ आँच को और अच्छे से पकता रहेगा। और इधर आलू भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, देखिए कम आँच कर दी हूँ, लगभग पक ही चुके हैं। तो देखिए मैं 12 बजे स्टार्ट करी थी और आलू फ्राई हो गया, भाजी भी बन गया और टमाटर और भिंडी भी हो गया एक बजने के लिए। अभी जस्ट 15 मिनट बाकी हैं और खाना तैयार हो गया। 1 घंटा भी नहीं लगता है बनने में, जल्दी ही तैयार हो जाता है, सभी तरफ तैयार करके चढ़ा दो तो। और थोड़े कुछ फ्राई करो तो गोल्डन होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी नहीं तो जल्दी ही तैयार हो जाता है खाना वाना। तो चलिए फिर खाते वक्त मिलते हैं। सूखने के लिए डाली हूँ कपड़ा बाड़ी तरफ, लेकर आती हूँ फिर मिलते हैं। इतनी भयंकर धूप, देखिए बाड़ी तरफ में कपड़ा वपड़ा सुखाई हूँ तो लेने के लिए आ गई थी। खाना देखते नहीं बन रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। तो खाना वाना बनने के बाद जितना भी कपड़ा उपड़ा है लेकर रख दूँगी मैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे हम लोग। इसके पापा नहीं आए हैं, ड्यूटी गए हैं। और धूप में निकलने को डर लग रहा है, इतना ज़्यादा धूप हो रहा है और पूरा ज़मीन गर्म हो जा रहा है। बिना चप्पल के चलते नहीं बन रहा है, पत्थर पूरा गर्म लग रहा है, इतना तेज़ है धूप। और अभी ना मौसम पूरा साफ़ है और
धूप की वजह से ना पूरा बेहाल, पता नहीं बाहर में काम करने वाले कैसे काम करते होंगे, घर में ऐसा लग रहा है। और थोड़ा सा धूप में जाओ तो एकदम से पसीना पसीना हो जा रहा है, और धूप से छांव की तरफ आओ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, उतना तेज़ हो रहा है धूप। और फटाफट कपड़े वपड़े सूख जा रहे हैं, तो खाना वाना बनाने के बाद ले आ रही हूँ, ज़्यादा देर तक कपड़े रहते हैं धूप में तो ख़राब होने लगते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, तो ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना चाहिए, और थोड़ी धूप लगनी ही चाहिए कपड़ों को, बाकी पूरा दोपहर धूप में रहेगा तो पूरा कलर फेड हो जाता है, तो इसलिए मैं सूखने के बाद जल्दी ही ले आती हूँ कपड़ों को। और मेरे कपड़े, मेरी सासू माँ के कपड़े, इसके पापा के कपड़े धुले थे मैंने, और थोड़ा धूप में निकले तो एकदम पसीने से ना शरीर लथपथ हो जा रहा है। और चलते हैं अब घर, खाना वाना खाएँगे, बच्चे भी नहा धो लिए हैं। और देखिए मेघा खाना खा चुकी है, बस मैं और नीमा माही बचे थे, माही भी आ गई खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी में ना मैं पानी वाला चावल बनाई थी मेरे लिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है गर्मी में पानी वाला चावल, और भाजी के साथ भी अच्छा लगता है। और हमारे छत्तीसगढ़ी में ज़्यादातर पेज खाते हैं, तो कभी कभार मैं खुद के लिए बनाती हूँ, बच्चे लोग तो पेज वेज पसंद नहीं करते हैं। तो इसके पापा 3-4 बज जाएगा बोले, गाड़ी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, अभी 2 बज चुके थे, उनको देखते देखते 2 बज गए, और उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए हैं, थोड़ा देखते हैं उनके आने तक। और फ़ोन के दो लोग बोले कि 3-4 बज जाएंगे तो आप लोग खाना वाना खा लो, तो हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और ऐसे भी नाश्ता लेट में करूँ तो खाना खाने का मन नहीं करता है। तो चलो वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।